व्हाट्स अप गाइस, क्या इस बात पे पाकिस्तान को गर्व होगा? पहले तो बात बताता हूं, भिखारी एक्सपोर्ट करने में नंबर वन बन चुका है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के एंकर फिजा खलीफा बौखलाई। फिजा खलीफा के लिए आप लोग क्या क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताना। आप कहां से देख रहे हो वीडियो ये भी बताना, और देखते भैया ये चीज आई है न्यूज में, 100 में से 90 लोग होते हैं जो भिखारी अरेस्ट होते हैं, 100 में से 90 पाकिस्तान के होते हैं। अब आप देख लो और वीडियो मजेदार होने वाले, लास्ट तक जरूर देखना। 1 2 3 गो। हैरान हूँ दिल को रूंगे पीटू में जिगर को, शायद ज्यादा जो खतरनाक बात है वो यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान भिखारियों का भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। अब इससे जाहिर ये होता है कि तारीख में महंगे डॉलर से आने वाली महंगाई का सबसे ज्यादा जो बोझ है वो दूसरी और तीसरी नस्ल बर्दाश्त कर रही है। ब्यूटीफुल, क्या बात है। अब आते हैं बिजली के झटकों की तरफ। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। हाय हाय महंगाई, पाकिस्तानी ऐसे चक्कर में फंस गए हैं कि बिजली कम इस्तेमाल करें तो भी नुकसान। भिखारियों बाहर जाओ और पैसे जमा करके लाओ, क्योंकि दूसरे तरीके से हमें कोई पैसे नहीं दे रहा। मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। कॉन्फिडेंस ऐ दुखी दिलों के भेद जानने वाले अल्लाह, अल्लाह ने तो लानत भेजी है तुम्हें। पाकिस्तान एक ऐसी जगह का नाम है जिसके मुल्क को और उसके लोगों को जब तक उनकी बेइज्जती ना हो या जब तक वो अपनी बेइज्जती नहीं कराए, जब तक इन लोगों को मजा ही नहीं आता। इनको खाना हजम नहीं होता। हाँ भाई हाँ। और इंटरनेशनल बेइज्जती कराने में तो पाकिस्तानी चैंपियन है, चैंपियन। और 345 रन बनाने के बाद भी हार जाते हैं, ऐसे चैंपियन है। हाल ही के दिनों में पाकिस्तान की एक और इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। इसके ऊपर मैंने मीडिया न्यूज तो आपको दिखा दी थी, लेकिन पब्लिक रिएक्शन आने बाकी थे, तो इस खबर में पब्लिक रिएक्शन भी आ गए और बड़े शानदार आए। कहते हैं ना, हुए ना बदनाम तो क्या नाम ना होगा। पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। नेबरिंग कंट्री हम पे हंस रही है कि वाह पाकिस्तानियों, क्या तुम लोगों ने छक्के मारे हैं। मुल्क के अंदर भी जो है भीख मांगते हो, मुल्क से बाहर भी जाके जो है भीख मांगते हो। यही कुछ सूरत हाल है। और बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी सफेदों की तादाद सबसे ज्यादा हो गई, क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ऐसे ही कहते हैं, बदनाम ना होंगे तो क्या नाम। हमने समझ लिया है कि कटोरा पकड़ के मांगना, कलेक्ट करना, ये ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कमाना। क्योंकि भिखारी है ना, भिखारियों जैसी बातें करते हैं। पाकिस्तान आप देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। ये है कि भीख मांग रहे हैं। असल में भीख मांगना ना हमारे अंदर ही एक अंदर छुपे हुए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक 8-9 साल लगाता हूँ, एक अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करता हूँ, 12-13 लाख अपने यूनिवर्सिटी में डिग्री ली, मैथ कम्युनिकेशन कर लिया, सॉफ्टवेयर की डिग्री ले ली। डिग्री लेकर करना क्या, मैंने इस रेस्टोरेंट पे काम करना है। अच्छा, मैंने फलान दफ्तर में जाके काम करना है, फलान दफ्तर के जाके दरवाजा खटकाना है, 3-3 घंटे बैठे रहना है। डिग्री क्या है, मैं इंटरव्यू दूंगा, मुझे क्या मिलेगा, जो मिल जाएगी, कितनी सैलरी होगी, 12-13 हज़ार। अब यहाँ पे ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आप देख लें बिजली का यूनिट 41 रुपीज़ चल रहा है, कहीं पे 45 रुपये है, डिफरेंट रेट्स हैं पाकिस्तान में। मैं एरिया टू एरिया रेट्स भी अप जा रहे हैं। अब यहाँ पे आम पाकिस्तानी है जो कि 15 हज़ार एक सैलरी ले रहा है, वो क्या करेगा? भीख नहीं मांगेगा, चोरी नहीं करेगा, किसी के आगे से लड़ेगा नहीं। अब आम 100 प्याज भी खाए और 100 जूते भी। मुझे आज तक मुझे लग रहा है कि मैंने पिछले दो साल से इंटरव्यू दे रहा हूँ, मेरा खुद का बकायदा एक्सपीरियंस है कि मैंने 4 साल लगाए अपनी यूनिवर्सिटी में, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मैं जाके दफ्तरों के जाके धक्के खा रहा हूँ। लास्ट ऑप्शन पे भीख मांगना या मेरे अंदर चोरी का आ जाएगा। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या कहोगे, 99% जो भिखारी पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से निकलता है। जेब कुतरे पिक पॉकेट, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से निकलता है। हमारे भिखारी इतने अमीर है कि वीजे भी लगवा लेते हैं और टिकट भी कटवा लेते हैं। बस गरीब है वो, इधर के गुर्बत से निकल के उधर जाके भीख मांगते हैं। गरीब है? और भाई मैं नहीं जा सकती, गरीब कहाँ से आए? बस इधर जितना तुम जा सकते हो भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया, तुम्हारे पास टिकट और वीजा के पैसे हैं। हाँ, इधर मजबूरी है तो फिर चले जाएंगे। ये भाई भी पूरी तरीके से तैयार है भीख मांगने के लिए, मतलब मेंटली तौर से पूरी तरीके से तैयार है ही है। अगर मेरे पास भी कुछ काम नहीं हो तो मैं जाके भीख मांगूंगा। गैरत नाम की कोई चीज नहीं है जिसके अंदर कहते हैं हम गैरतमंद कौम है, ये गैरत है सालो तुम्हारी। बहुत नाजुक सूरत हाल है। जब उनकी पहचान कराएगी तो 99% जो लोग थे वो पाकिस्तानी थे, और जुर्म क्या था कि वो वहाँ पर भीख मांग रहे थे। जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की जो बेइज्जती हो रही है, जो यहाँ से
लोग जाते हैं वो भी भीख मांग रहे हैं, बाकी भी बहुत से कौमों के लोग वहाँ पर आबाद है, लेकिन हर जुर्म में 99% पाकिस्तानी ही क्यों निकलते हैं? बात यह है कि आपकी बात पर बड़ी हंसी आ रही है कि आपने कहा कि बेचारे जो है ना जो पकड़े गए वो भीख मांग रहे हैं। आप ये देखें कि हम मिनहासुल कौम और पाकिस्तान के जितने भी हमारे अकाबरीन हैं, अच्छा। जो हमारे सियासतदान हैं, अच्छा। जो हमारी लीडर है, अच्छा। मुझे ये बताएं सबसे बड़ा कशकोल तो उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ, बड़ा कटोरा उनके हाथ। मैं आया हूँ तो आप समझे, आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। क्या बोला तूने? आया हूँ तो आप समझे, आप समझेंगे शायद मांगने आया है। मांगनी नहीं आया लेकिन मजबूरी है, मजबूरी है। शहबाज शरीफ साहब जो कि अपने मुंह से कहते हैं कि हम बेगर हैं, हम मांगने वाले हैं, हमारा काम ही मांगना है, मैं यहाँ जाके मांग रहा था, मैं वहाँ जाके मांग रहा था, उनके मीम आप सुने तो हमें शर्मिंदगी होती है, हमें शर्म आती है कि हम किस कौम के ऊपर कैसे लोगों को मुसल्लत कर दिया। मांगनी आया लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हताहत, ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर वो बेचारे और जाके वहाँ जाके भीख नहीं मांगेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ जो उनको सिखाया ही आप उनको फेवर कर रहे हैं, मतलब मुल्क का नाम बदनाम करें भाई, भीख क्यों मांग? अच्छा मुझे ये बताएं, भिखारी बोलते गरीब को, मैं नहीं सऊदी अरब आज तक जा सके, वीजा है, पासपोर्ट है, टिकट है, रिहाइश है, देखिए बिजनेस प्लान देखिए, मांगना जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट जो है लाता था। देख लेना, अब आपको पता है कि हमारी जो यहाँ के लोग हैं उनको किस तरीके से उनके माइंड कितना, ये तो वो कहते हैं हाँ ये माइंड उल्टा उनका काम कर रहा है ना, कि उनको पता है कि जीरो इन्वेस्टमेंट है, मांगने से हमें पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, जीरो इनकम जो है ना वो लाखों में, इज्जत नहीं है, इज्जत छोड़ दो, बाकी बड़ा हमारे कौम को, हमारे मुल्क को, हमारे लोगों को इज्जत से क्या लेना देना? वो कहते हैं कि ठीक है मेरा काम बने, दूसरे का घर भाड़ में जाए। मजा आया। 100 बात की एक बात है, पाकिस्तान भिखारी थे, है और रहेंगे, भिखमंगी कौम है, भूखे नंगे कंगले नहीं, ये गलत बात है। इधर किसी को खाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे, वो इधर से वीजा लगा के वहाँ पे जाके भीख मांग रहे हैं, ये तो बात गलत है। पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, तो पहले बड़ा अच्छा नाम है हमारा, तो बहुत अच्छा नाम, यही बात है ना, आगे और खराब कर रहे हैं, पहले अच्छा नहीं तो और ज्यादा खराब कर रहे हैं, वहाँ पे जाके हमारे झंडे लगा रहे हैं। हम कहते हैं हुक्मरान ठीक नहीं है, तो क्या हम खुद ठीक है? नहीं हम भी नहीं ठीक है, हुक्मरान तो वो बात अलहदा है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन हम भी नहीं ठीक है, हम लोग ही नहीं ठीक है, हुक्मरानों को क्या कहना है हमने। ये उफान जी हमारा भीख मांगना फन में आता है, आपसे भी बात करेंगे, भीख मांगना हमारा फन है या हमारी फितरत बन चुकी है? आप ये इंटरनेशनली या लोकली बात करना चाहते हैं? आज इंटरनेशनल बॉर्डर पार की बातें होगी, यहाँ तो जो होता है वो तो सब बाखबर है, पार की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कहूँगा मैं कि बाहर जिस तरह आपने मेंशन किया सऊदी अरब में हम जाके कुछ पाकिस्तानी हैं जो भीख भी मांग, सारे 99% जो जेलों में बंद है सारे पाकिस्तानी, ऐसे ही है। इवन दो कि दुबई के अंदर भी अगर आप देखेंगे फाइन के लिहाज से पाकिस्तान ड्राइविंग्स का सबसे ज्यादा टॉप पे नाम है, ठीक है। कौमें तो इज्जत से बनती हैं, कौम का वकार क्या है? इज्जत है तो मतलब ना कौम ना इज्जत, बेशक कौमें इज्जत से बनती है, लेकिन जो हमारे मुल्क में हो रहा है क्या ये इज्जत वाले काम हो रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं मिन हासिल कौम, मिन हासिल एज अ मुस्लिम, हम जो काम कर रहे हैं ये इज्जत वाले हैं नहीं है? मुस्लिम तो छोड़ दे, बड़े पीछे रह गए हैं मुसलमानों के मुल्कों में। अगर हम OIC की बात करें, 57 इस्लामिक कंट्रीज की बात करें, जो आदतें हमारी हैं वो बाकी किसी इस्लामिक कंट्री की नहीं है, ये भी एक कड़वा सच है। बिल्कुल सच है, दुनिया में नंबर वन इस वक्त करप्ट पाकिस्तान आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे सियासतदान भी वैसे, हमारी आवाम भी वैसे। अभी मेरी नज़र में ये है कि पाकिस्तान एक तरह के वंडरलैंड में छुपा हुआ है, दुनिया से डिसकनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड है नहीं, कर दिया माइनस कर दिया भाई, तुम तो साइड पे लोगो ना, ना 3 में ना 13 में, ऐसे ही है, ऐसे ही है। पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद तो मैं यही बोल सकता हूँ, पाकिस्तानियों में भीख मांगने का भी एक टैलेंट है, ये हिडन टैलेंट है, ये भगवान का वरदान है, इनको हर कोई भीख नहीं मांग सकता भाई, शर्म के मारे आंखें झुक जाती है। यहाँ तो किसी से मदद लेनी हो, कोई हेल्प लेनी हो तो 100 बार सोचना पड़ता है कि उसको बोले ना बोले, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। और ये भाई लोग तो सीधा भीख मांगते हैं, वो भी इंटरनेशनल कमाल के लोग हैं भाई। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई आप लोग कहाँ से देख रहे हो ये बताना, और एक चीज है मेहनत करके खाओ, मैं यही बोलता हूँ लोगों को, और मेरे को अगर कोई रोड पे मिल जाता है जो हट्टा कट्टा है तो, और अगर कोई इस तरीके से भीख मांग रहा होता है तो मैं साफ बोलता हूँ उसको, भाई कुछ मेहनत करके खा लो, मेहनत करके खाओगे तो खुद को भी एक प्राउड फील होगा, ठीक है। जो बहुत ही बेबस है भाई, जिनसे नहीं हो पाता उनके लिए फिर भी ठीक है। और ये देखो, ये तो वीजा लगा के दूसरे देश जाते हैं, वहां पर भी इनको पता है कि काम करना पड़ेगा 8 घंटे, 8 घंटे में 2 घंटे में अगर कोई लॉटरी लग गई, कोई बढ़िया पैसा दे गया तो भैया मौज है,
ये रिकॉर्ड सेट कर रहा है पाकिस्तान, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्योंकि जैसे यहाँ से भी ये बोल के जाते हैं ना कहीं माइनॉरिटी बन के जाते हैं, कहाँ यूके बर्मिंघम में गई है, वहाँ पर माइनॉरिटी, वहाँ पे 15-15 बच्चे पैदा कर डाले, एक बताया ना उसने, रोजगार भत्ता लेते, एजुकेशन का भत्ता लेते, बस पढ़ते बढ़ाते नहीं, पैसे लेते वहाँ पर, और उनकी आबादी बर्मिंघम में 50% से ज्यादा, ओवरऑल आबादी में 50% ज्यादा ये हो चुके हैं, फिर भी माइनॉरिटी कहलवाने भत्ता भी लेना, उसको भी पाकिस्तान बना दिया, मतलब ये कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस। और फिर वही वाली बात है, इन देखो पॉलिटिक्स तो इनकी पूरी की पूरी वैसी है, जितने भी इनके लीडर हैं आर्मी सब कुछ, और इनके कुछ लोग हैं तो क्या है, इनके कुछ लोग और इनकी पूरी पॉलिटिक्स मिलके पाकिस्तान का ऐसा एक पूरी इमेज क्रिएट कर दिए पूरी दुनिया में कि फिर वही IMF लोन देने से मना कर देता है, ठीक है, हर जगह, फिर अब UAE ने जैसे बैन लगा दिया कि भैया आओ तो इतने दिरहम होने चाहिए आपके पास, पता लगा जेब में कुछ है ना, आने की टिकट कैसे तैसे कर ली और फिर यहाँ के लग गए भैया, फिर वो पैसे जुगाड़ कर रहे हैं उस तरीके से, ये चीज है। और इन्होंने सच में एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही जज्बा हासिल कर रखा है, और समझ नहीं आता मुझे, एक फिजा खान भी अलग ही जोन में रहती है, कौन है फिजा खान का, फिजा खान कहते कोई, फिजा खलीफा कहता उसको, कौन है उसका फैन भैया कमेंट में बताना, शेयर कर देना वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।